लवली वेदर, मतलब बहुत सही वाला वेदर हो रखा है यहाँ पे, पूरा क्लाउड। हाँ ये सही है ना। तो ये ले, ऑटो ही पलटा दिया भाई ने सुबह सुबह, क्या कर सकते हैं गाइस, बहुत जल्दी है लोगों को। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज विकेट राइडर एंड व्हाट्स अप। सो आज है 28th एंड हम लोगों का फाइनली जो प्लान है बन चुका है कोडाईकनाल राइड जाने का, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग राइड प्लान किए आफ्टर कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र राइड। मतलब मेरे लिए काफ़ी टाइम हो जाता है वैसे कि अगर एक हफ्ते बाद भी जाऊँ तो। आज हम लोगों की जो राइड है शुरू हो रही है कोडाईकनाल की, तो यहाँ से अभी टाइम हो चुका है 6:30, तो हम लोगों को पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, अराउंड 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वी आर विद अफ्रीकन ट्विन Z800, Z900, डुकाटी मल्टी स्टार्टर V4S न्यू वाला और डुकाटी एक्स ट्रैवल। तो सारे सेट मिल गया। कौन सा? ओ क्रिसमस गिफ्ट दिया। सांता इज देयर विद द रेड बाइक। तो यहाँ से अभी निकल रहे हैं और यहाँ से निकल के थोड़ा सा हाफ डिस्टेंस कवर करके, 100 किलोमीटर्स कवर करके, देन विल गो फॉर द ब्रेकफास्ट और चलो चलें। मस्त, एकदम ऑल गुड, मजा आ जाएगा आज राइड। मजा आ जाएगा आज, फुल मजा आएगा। ड्रोन उड़ा देंगे बादल के ऊपर, आज पूरा एडवेंचर मोड में जाने। जो हम लोग मेन रोड है वो ज्वाइन कर चुके हैं एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉग रखा है। अभी टाइम हो रहा है 7:14 एंड थोड़ा सा स्पीड स्लो करके चलना पड़ेगा, बट लेट्स सी कि हम लोग कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। और आज का डिस्टेंस जो है दैट इज़ 500 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। गाइस अभी थोड़ा सा जो है मौसम अपना खुल चुका है और यहाँ से मेरे को रेंज दिखा रहा है 260 किलोमीटर्स का। तो अपना प्लान कुछ ऐसा रहेगा कि थोड़ा सा जो स्टॉप लेंगे लगभग 100 किलोमीटर्स के ऊपर जाके लेंगे, देन उसके बाद में वहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे। यो, तो अभी हम लोग यहाँ से कुछ हैं मुर्गन इडली जो शॉप पड़ता है यहाँ पे, उससे थोड़ा सा पीछे हैं और ये वाला एरिया मेरे को बहुत ब्यूटीफुल लगता है, यहाँ पे अक्सर करके हम लोग ब्रेकफास्ट राइड पे आते रहते हैं। सो अभी यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं मुर्गन इडली और इसका यही सीन है, थोड़ा सा टर्निंग पर पड़ता है, ध्यान नहीं जाता, अक्सर करके आते रहते हैं, आगे साइड में लगा लेते हैं, ये रॉयल एनफील्ड वाली साइड में लगा लेते हैं, इधर पे सीट ले लेंगे। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया है ब्रेकफास्ट और स्वीट पोंगल है और यहाँ पे कॉफी है। और बोलू भाई कैसा लगा फिर? ब्रेकफास्ट करने के बाद लग रहा है ट्रिप पे जाएंगे कि नहीं। नहीं बस ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी निकलेंगे हम लोग, हेलो, तो यहाँ से अभी ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलने वाले आगे कोडाईकनाल के लिए। अभी अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है यहाँ से मुर्गन इडली से एंड यहाँ से निकलने वाले हम लोग। चलो एक्चुअली ब्रेकफास्ट करते टाइम में काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे, हम लोगों ने ऑलमोस्ट स्पेंड किए 1 आवर, मतलब 8:15 के अराउंड रुके थे। थोड़ा सा सर्विस आज स्लो था बट एनीवेज, अपना जो मेन राइड का मकसद है यही कि हम लोग वहाँ तक राइड करके जाएंगे कोडाईकनाल में, शाम में चिल करेंगे, यहाँ से जो राइड है उसका मज़ा लेने वाले हैं हम लोग कोडाईकनाल में जाके, शाम में देखेंगे कहीं पर मस्त एक जगह घूमेंगे। तो यहाँ पे पड़ गया है टोल और ये टोल कौन सा है यार, ये गाय के लिए बड़ा ख़राब लगता है, बेचारी ऐसे खड़ी रहती हैं, अभी कितना दूर तक जाएगा ये भी नहीं पता है, बट बैठ भी नहीं सकते मूविंग व्हीकल पे, मतलब इतना भर के लेके जाते हैं कि कहीं नहीं जा सकते, कि बैठ तक नहीं सकते हैं। तो ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह पड़ी है, यहाँ पर पूरा घाट सेक्शन चल रहा है, मैंने सोचा एक थोड़ा सा रुक के निहार लिया जाए। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस यार, मतलब यहाँ पे किस चीज़ का है, सरसों का है पता नहीं क्या, फूल की खेती है कुछ तो है, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे।
ऐसे ही एक जाने के टाइम पे अपन लोग जब कन्याकुमारी जाते हैं तो वहाँ पे एक अवरीकुलम जंक्शन पड़ता है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल जगह है। मतलब पूरा विंड मिल का रेंज स्टार्ट होता है यहाँ पे। विंड मिल वाला पता नहीं, मेरे को याद नहीं अच्छे से, बट कहीं पे एक जगह पड़ा था। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से लिया नारियल पानी और अभी धूप तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ये पड़ा है सेलम का टोल प्लाजा और अभी कोकोनट वाटर पी के इधर आगे निकलेंगे। थोड़ा सा हाइड्रेशन बॉडी को ज़रूरी रहता है। गाइस अभी हम लोगों ने क्रॉस किया है सेलम टोल प्लाजा और यहाँ पे हाइड्रेशन के लिए, कोकोनट वाटर के लिए रुक गए थे नारियल पानी। और यहाँ से देखो लाइनअप, और यहाँ से हम लोगों को जाना है अराउंड 270 किलोमीटर्स प्लस। तो और गर्मी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तो अभी ये पड़ा है अपना फर्स्ट फिलिंग स्टेशन बेंगलोर के बाद में हम लोग यहाँ पे भरवा रहे हैं एंड प्राइस इज 102। तो अभी देखो यार क्या मस्त वाला मौसम हो रखा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है राइड करने में। तो आज से 2 दिन का राइड है बट लिटरली फाड़ के एंजॉय होने वाला है। कोडाईकनाल दिसंबर में जाना और मतलब पूरा मनाली वाला फील दे देता है। काफ़ी अच्छे खासा ठंडा रहता है, मतलब ऑब्वियसली स्नोफॉल नहीं होता बट जो टेम्परेचर है काफ़ी डाउन रहता है कंपेयरिंग टू बैंगलोर जैसा। अभी बैंगलोर में टेम्परेचर चल रहा है अराउंड 15-16 डिग्री मिनिमम जाता है, यहाँ पे चले जाता है 8 डिग्री के अराउंड। तो और रात में लेक के आसपास में तो ऑब्वियसली फॉग होगा मस्त वाला। यो कोई सी तो रिवर पड़ी है यहाँ पे, मस्त नाइस अच्छी जगह है यार, बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता पड़ा है यार ये आसपास, मतलब हरियाली छा रखी है यहाँ पे। एक्चुअली जब हम लोग टुवर्ड्स कोडाईकनाल जाते हैं तो आसपास पूरा फॉरेस्ट एरिया है। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं ईडन गार्डन्स में और लंच करने का टाइम हो गया था। अभी टाइम हो रहा है 1:30, तो सोचा एक थाली ऑर्डर कर दें। रोटी चपाती कुछ नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली नॉन वेज ढूंढ रहे थे काफ़ी टाइम से बट मिला नहीं, सो क्या कर सकते हैं। अभी अपना लंच हो चुका है और यहाँ से कोडाईकनाल रह गया है अराउंड 70 किलोमीटर्स। अब एक्चुअली अपना असली रास्ता शुरू है, अभी तक तो चल रहा था हाईवे रन। यहाँ पे इधर इतना ब्यूटीफुल रोड पड़ता है। दोस्तों अभी हम लोग जहाँ से निकल रहे हैं ये वाला है पूरा डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया, मतलब यहाँ से बेसिकली फॉरेस्ट शुरू हो जाता है। बट लवली प्लेस है, मतलब रोड्स काफ़ी मेंटेन है। अभी देखो अभी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख जाएगा कि कैसा फॉरेस्ट है, मतलब आसपास पूरे पेड़ हैं पीछे अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो। बहुत सही है यार, लवली प्लेस। लास्ट टाइम भी आया था मैं इधर, की रोड्स तब भी मेंटेन्ड थी, अभी भी मेंटेन्ड है। तो ये देखो यार यहाँ पे क्या, कोडाईकनाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेलकम्स यू। लास्ट टाइम अगर याद होगा तो आप लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने खड़े होकर फोटो खिंचवाई थी। अब यहाँ से पूरा शुरू हो जाएगा अपना घाट सेक्शन, बस कोई बस ना आए क्योंकि लास्ट टाइम ना बस वाले बहुत झिला देते हैं। लुक एट दिस व्यू, यहाँ से पूरा ऊपर आ चुके हैं। इस साइड में डैम है कोई सा, अभी हम लोगों को ऊपर चढ़ के जाना है। अभी हम लोग फाइनली कोडाईकनाल से जस्ट 5-10 किलोमीटर दूर हैं। टाइम हो चुका है 5:20 थी, आज बिल्कुल फुर्सत वाली राइड मारी हम लोगों ने। ये देखो यहाँ पे पूरा वाटरफॉल्स है, आप लोग पीछे हो गया, इधर देखो वाटरफॉल्स है। लवली वेदर यार, मतलब बहुत सही वाला वेदर हो रखा है यहाँ पे, पूरा क्लाउड ऊपर तक आ रखा है, मतलब क्या बताएंगे यार। तो दिस इज कोडाई लेक, यहाँ पे बोटिंग चल रहा है। अभी देखेंगे थोड़ा टाइम बाद में आएंगे यहाँ पे तो मस्त मस्ती मारेंगे। और यहाँ पे फेमस है यहाँ की कोडाई चॉकलेट, तो वो तो खानी ही खानी है। सो दिस इज अवर होटल टुडे। हाँ आगे देखते हैं कहाँ पार्किंग, क्या है पार्किंग, बाइक पार्किंग, हाँ चेक इन बाइक पार्किंग। हाँ ये सही है ना, ये